एक रेट्रोस्पेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग अप्रोच करना होगा, क्योंकि हमें लास्ट तक आते ही मतलब वी कांट ट्रैक की व्हाट वी एक्चुअली नो एंड व्हाट वी डोंट नो. कि लाइक इफ यू गिव अ लॉट ऑफ रिलेवेंट पेपर्स यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट यू डोंट नो. सो नोइंग व्हाट यू डोंट नो इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द लास्ट मंथ. रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देना जरूरी है, और मॉक टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस, और जब एनालिसिस में जो टॉपिक वीक लगते हैं कि ये टॉपिक वीक हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वीक है मेरा क्योंकि इससे कई लगातार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उन चीज़ों को भी कवर करना होता है. तो अ लॉट ऑफ टेस्ट लिखो, उसका एनालिसिस करो और रिविजन करते रहो. एंड यू स्ट्रेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कमिंग ऑन, सो यू कांट स्टडी मच ड्यूरिंग दिस पीरियड. मैं जो हर एग्जाम के बाद जो सिली मिस्टेक्स होती थी, मैं उनको एक ऐसे अलग सी कॉपी में लिख लेता था कि ये क्वेश्चन नंबर 67 रीड नहीं किया, क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नहीं सारे पढ़े, करेक्ट का इनकरेक्ट मार्क कर दिया, सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़े नहीं, ये ऐसी चीज़ें नोट करता था. और फिर अगले टेस्ट के पहले ना उन जो गलतियां हुई थी मुझसे, सिली मिस्टेक्स स्पेशली, उन गलतियों को एक बार रिवाइज करके जाता था कि मैंने पिछली बार ये गलतियां करी थी, इस बार कोशिश करूंगा ये गलतियां ना हो. तो ऐसे करते करते धीमे धीमे फिर वो सिली मिस्टेक्स रिड्यूस हो गई थी. So, exams is the only method of revising in the last month.